ऑटो एक्सपो का दमदार आगाज हो चुका है। 7 और 8 फरवरी को मीडिया के लिए रिजर्व रखा गया था और इस दौरान कई देश विदेश की कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। मैं अभी किया मोटर्स के अरेना में खड़ा हूँ। किया मोटर्स कोरिया की कंपनी है और पहली बार किया मोटर्स ने भारत में कदम रखा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किया मोटर्स के पवेलियन में क्या खास है। आपको बता दें कि किया मोटर्स ने 2019 से किया मोटर्स भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश में कंपनी ने अपना प्लांट बनाना तैयार कर दिया है। आप ये जो कार देख रहे हैं, ये SP कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मॉडल है एक कॉम्पैक्ट SUV का। किया ने इसको कल लोगों के सामने रखा है। ये कार ह्यूंडई क्रेटा को कॉम्पीट करेगी मार्केट में। इस कार की खास बात आप देख सकते हैं कि कंपनी का कहना है कि इसको एक खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इस कॉन्सेप्ट कार का फ्रंट लुक है, जो कंपनी ने कहा है कि एक टाइगर नोज ग्रिल डिज़ाइन कंपनी ने इसको नाम दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत कार है ये। हालांकि आपको बता दें कि एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है। और दूसरी जो कार कल कंपनी ने पेश की है वो है स्टिंगर GT। ये भी एक कॉन्सेप्ट कार है जो कि ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है और भारत में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी ने कुल 16 प्रोडक्ट शोकेस किया है इस अरेना में। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार कैडेंजा है, ये भी आने वाले वक्त में भारत में लॉन्च की जा सकती है। और अलग अलग सेगमेंट में कंपनी के ने कई सारी कार लॉन्च करने की तैयारी की है। भारत में कॉम्पैक्ट प्रीमियम हैचबैक SUV और कॉम्पैक्ट SUV को भी कंपनी लॉन्च करेगी। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इलेक्ट्रिक कारों का भी है। किया मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2018 में एक बड़ा पोर्टफोलियो अपना शोकेस किया है। जैसा कि मैंने बताया कि 2019 से कंपनी प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। कंपनी के पास इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है ग्लोबल मार्केट में, जिसको कंपनी भारत में भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने किया की नीरो प्लगइन हाइब्रिड गाड़ी खड़ी है। इस कार को भी भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा आने वाले वक्त में। ये उसके साथ एक चार्जिंग स्टेशन लगाया गया, ये बिल्कुल वैसा ही एक चार्जिंग स्टेशन है जिससे इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज किया जाता है। इसके साथ जो कार खड़ी है वो है सोल EV। ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बेहद ही खूबसूरत कार और एक ऐसी कार जो पॉल्यूशन नहीं करती। और शायद ये आज के तारीख की डिमांड है कि बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। भारत सरकार ने भी ये कहा है कि 2030 तक भारत को एक इलेक्ट्रिक रेडी कंट्री बना लिया जाएगा और उसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए को काफ़ी प्रमोट कर रही है कंपनी, सरकार कई कंपनियों को। और ये एक किया की ऑप्टिमा प्लग इन हाइब्रिड कार है। तो हम थे किया मोटर्स के पवेलियन में। किया मोटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, काफ़ी लंबे वक्त से इस कंपनी का भारत में इंतज़ार किया जा रहा था। और जैसा कि आपने देखा कि कंपनी के पास एक लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है जिसको बहुत जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। लोकमत न्यूज़ के लिए सुवासित की रिपोर्ट।